गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। ओके, इन प्रीवियस टाइम चैप्टर 6 हैव फिनिश्ड एंड इन ऑफ ट्री मेथड एंड सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ओके, हमने टू मेथड आपको बताया था फैक्टराइजेशन का, ट्री मेथड एंड सक्सेसिव मेथड। तो ट्री मेथड और सक्सेसिव मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे एक्सरसाइज भी है जो हमने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया था। सो आज हम डिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पूरे चैप्टर का शॉर्ट में क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इससे आपके पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे सब रिवाइज हो जाएंगे। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग, राइट द फिफ्थ मल्टीपल्स ऑफ 20। हमें क्या करना है, 20 का फिफ्थ मल्टीपल राइट करना है। ओके, तो हम आप जानते हो मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है। जिस नंबर का हमें मल्टीपल्स निकालना होता है उसमें अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका मल्टीपल्स कहलाएगा। तो हमें फिफ्थ मल्टीपल्स निकालना है, तो फिफ्थ मल्टीपल्स मीन्स इसको हम सीरीज वाइज मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा फिफ्थ नंबर होता है। दिस मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। जो 5 हमारा क्या होगा, 5 वो हमारा फिफ्थ मल्टीपल होगा। तो हम फिफ्थ मल्टीपल इसका निकालेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट मल्टीपल्स राइट करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, देखिए 20 का हमें फिफ्थ मल्टीपल्स राइट करना है। तो आपका इसका फर्स्ट मल्टीपल्स क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई किए 20, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 80, फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो हमारा फिफ्थ मल्टीपल्स क्या हो गया, 100। तो आप नीचे राइट कर दोगे फिफ्थ मल्टीपल्स 100। ओके, इसी बेस पे आपका देखिए, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 अप टू 48। हमें क्या करना है, 4 अप टू 48 मीन्स हमें 4 का मल्टीपल्स राइट करना है 48 तक। ओके, 48 के अंदर तक हमें 4 का क्या करना है, मल्टीपल राइट करना है। तो 4 का मल्टीपल्स आप राइट करेंगे, 4 का टेबल आपका 4 मल्टीपल्स होगा। तो 10 तक तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जा 40 हो गया आपका। उसके बाद आपको 48 तक निकालना, तो 4 में फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 44 हो गया। फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो गया। दिस मीन्स आप 12 तक नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे 4 तक का, वो सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल्स होंगे। 4 8 12 इस तरह से जो टेबल में आते हैं सब, 4 10 जा 40 तक, फिर 11, फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 तक। फिर सी क्या आपका, राइट दी मल्टीपल्स ऑफ 11 दैट लाई बिटवीन 50 एंड 100। देखिए 11 का मल्टीपल्स लिख राइट करना हमको जो किसके बीच हो, 50 और 100 के बीच के मल्टीपल्स को हमको राइट करना है। 11 के उन मल्टीपल्स को हम राइट करना है जो 50 और 100 के बीच में हो। तो देखिए 11 के हम सबसे पहले मल्टीपल्स राइट करते हैं, 11 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। तो सबसे पहले 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ओके 110। हमें किसके बीच निकालना, हमें 50 और 100 के बीच के मल्टीपल्स को राइट करना है 11 के। यहाँ देखिए हम 110 तक हमने राइट कर दिया मल्टीपल्स। अब हम यहाँ से देखेंगे 50, ओके 50 और 100 के बीच कौन से नंबर आ रहे हैं, ये 66, 77, 88 एंड 99। ये नंबर्स क्या हो गए, 50 और 100 के बीच के नंबर्स हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा,
मल्टीपल्स बिटवीन 50 to 100, ओके 50 से 100 तक के बीच के नंबर्स आप यहाँ पे राइट कर दोगे, 55, 66, 77, 88 and 99, ओके ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका राइट द ग्रेटेस्ट टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 2। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 का ऐसा मल्टीपल जो क्या हो, ग्रेटेस्ट टू डिजिट, टू डिजिट का टू डिजिट में सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट हो, ऐसे 2 के मल्टीपल्स को हमको राइट करना है। तो देखिए 2 के मल्टीपल सबसे, आप जानते हो कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, आप राइट करोगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू यू नो दैट 99, ओके। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें 2 का ऐसा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल्स हो जो 2 का मल्टीपल्स हो, ओके। तो हम 2 में जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 99 आएगा, तब तब क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड करके देखो, 99 2 से डिवाइड होता है, 99 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। अगर यहाँ पे 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 हुआ 19, तो 19 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 9 जा 18 होता है, फिर 2 10 जा 20 हो जाएगा आपका। तो अगर यहाँ पर 8 होगा तो ये तब ये अगर यहाँ पे 8 हुआ तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा। तो दिस मीन्स ऐसा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो 2 का मल्टीपल्स हो वो क्या होगा, यम यू यल है, इसको यल कर लीजिएगा, मल्टीपल्स ऑफ 2 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओके। इज इक्वल टू 98 क्या है, 2 का मल्टीपल्स है। इसी तरह से आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स निकालना, जो 3 का मल्टीपल हो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या होता है, 999, तो ये कि 3 से डिवाइड हो जाएगा 999, यस 3 से 999 आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 999 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल्स ऑफ 3, ओके। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 3, इसमें से 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आप चेक कर लोगे जो 3 से डिवाइड हो जाए वो 3 के मल्टीपल्स होंगे, 63 से डिवाइड हो जाएगा, दिस मीन्स कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 0 20, तो इसका मतलब 3 में आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60 आ जाएगा, 23 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये मल्टीपल्स नहीं है, 36 3 से डिवाइड होगा हाँ होगा, 12 टाइम ये डिवाइड होगा, तो आप जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 36 आ जाएगा, ये भी नहीं है, आपका 44 भी नहीं है, तो 60 और 36 ये दोनों क्या है, 3 के मल्टीपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6, इसमें क्या निकालना है आपको, जो 6 का मल्टीपल्स नहीं है, जो नहीं है उसे निकालना है। तो देखिए 26 को डिवाइड करिए, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मल्टीपल्स नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, जो मल्टीपल्स नहीं है, ऐसे नंबर्स जो मल्टीपल्स नहीं है 6 की, तो इसको आप करेक्ट कर लो, फिर 66 6 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब यह मल्टीपल्स है, 16 6 से डिवाइड होगा,
नहीं, इसका टेबल रीड करिए, आपका 16 कहीं नहीं आएगा, इसलिए 16 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये मल्टीपल्स नहीं है। 6 डिवाइड हो रहा तो ये आपका, सॉरी आपको मल्टीपल्स नहीं है, ऐसे नंबर्स को राइट करना है। तो इसको करिएगा, ये क्रॉस कर दीजिए इसको, ये हमें क्या निकालना, मल्टीपल्स नहीं है तो इसको आपको करेक्ट करना है। ये देखिए 46, 46 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ओके। 6 का टेबल रीड करिए, इसमें 46 कहीं नहीं आएगा, तो इस मीन्स ये भी 6 का मल्टीपल्स नहीं है। 56 देखिए 6 से डिवाइड होगा, 56 भी आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, सो ये आपका मल्टीपल्स नहीं है 6 का। इस तरह से राइट दी फर्स्ट 6 कॉमन मल्टीपल्स। हमें क्या करना, कॉमन मल्टीपल्स लिखना फर्स्ट 6। कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, हम पहले 3 का मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, फिर 7 का मल्टीपल्स, ओके। तब तक राइट करेंगे जब तक हमको 6 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाता है। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। चलिए फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 और 7 का मल्टीपल्स राइट करेंगे। हम तब तक राइट करेंगे जब तक कि हमें 3 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल्स है, 3 का टेबल हमने राइट कर दिया है, 9 12 15 18 21 24 27 30 33 ये आपका 3 10 जा 30 हो गया। उसके बाद आप 3 3 ऐड करते जाओ, ये आप 3 का टेबल बनता जाएगा आपका, कि यहाँ 51 है, 51 में फिर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 54, ओके। 54 में फिर 3 ऐड करेंगे 57। इस तरह से आपका भी हम 7 का भी मल्टीपल्स राइट कर देते हैं, 7 जा 7 14 21 28 ये हो आपका 7 का मल्टीपल्स, 14 3 जा 21 4 जा 28 35 40 49 56 63 70 इसके आगे फिर हम 7 का मल्टीपल्स, अब इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, या फिर 7 7 ऐड करते हुए लिखते जाएंगे तो ये आपका 71 होगा। फिर इसमें हम 7 ऐड करेंगे या फिर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो देखिए 77 14 4 1 कैरी 84, ओके 84 आया। या फिर आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 12 7 जा 84। इस तरह से हम 7 7 ऐड करते हुए मल्टीपल्स राइट करेंगे जब तक कि हमें 6 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाए, ओके। ये हमारा हो गया 7 का मल्टीपल्स, 84 में 7 ऐड किया हमने 91 98 105, फिर 105 में 7 ऐड किया 112। अब हम इसमें देखेंगे 6 कॉमन मल्टीपल्स हमें मिलते हैं कि नहीं। चलिए फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स देखिए 7 14, इसमें देखिए 7 भी नहीं है आपका, 14 भी नहीं है, 15 21 आपका क्या हो गया फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। सेकेंड देखिए 24, नेक्स्ट है आपका 28, तो यहाँ 27 है आपका, 35 नहीं है, 42 यहाँ देखिए 42, ये आपका हो गया सेकेंड कॉमन मल्टीपल्स। आप देखिए 42 49 नहीं है आपका, 56 भी नहीं है आपका, फिर 63। अब हम इसके आगे भी कॉमन मल्टीपल्स राइट करेंगे जब तक हमको 6 मल्टीपल्स ना मिल जाए। तो 57 के बाद आप राइट करेंगे कॉमन वाले, 57 में 3 ऐड करेंगे तो 60, ओके। फिर 60 में 3 ऐड करेंगे 63, ये देखिए हमारा 63 जो है थर्ड कॉमन मल्टीपल्स हो गया। अब हमें 6 निकालना है इसलिए हम अभी इसके आगे भी मल्टीपल्स राइट करेंगे। तो 63 में 66 69 72, फिर इसमें 3 ऐड करिए 75, फिर 3 ऐड करिए 78, फिर 3 ऐड करिए 81, फिर 3 ऐड करिए 84, ओके 84, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 87, फिर 3 ऐड करेंगे 90, ओके 87 88 9। अब देखिए
ये हमने 3 के मल्टीपल्स 129 तक राइट कर दिए। सब ने हमने 3 3 ऐड करते हुए हमने इसके मल्टीपल्स राइट किए हैं। ओके देखिए 90, फिर 90 में 3 ऐड किया 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, ओके। अब हम चेक करेंगे यहाँ से, देखिए 63, यहाँ तक हमने हमारा थर्ड मल्टीपल्स मिल गया था। अब हम फोर्थ मल्टीपल चेक करेंगे, 70 है आपका, 70 इसमें नहीं है, 77 वो भी आपका इसमें नहीं है, 84 ये आपका फोर्थ मल्टीपल हो गया। 84 के बाद आपका 91 इसमें नहीं है, 98 भी नहीं है, उसके बाद 105 ये आपका 105, फिर 112 नहीं है, इसके आगे भी हमें मल्टीपल्स राइट करना पड़ेगा। तो 112 में हम 7 ऐड करेंगे तो 119, फिर हम उसमें 7 ऐड करेंगे 126, ये हो गए 7 के मल्टीपल्स। ओके तो ये हमारा कितने मल्टीपल्स हमें मिल गए, 1 2 3 4 मल्टीपल्स, 1 2 3 4 5 हैं, देखिए ये 84। ओके 5 मल्टीपल्स हो गए आपके, 21 42 63 84 105, हमें 6 मल्टीपल अब हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ से 112 119 इसमें नहीं है, 126 126 ये हो गया आपका 126। तो कॉमन 6 मल्टीपल्स आपके हो गए हैं। इक्वल टू 21 42 63 84 105 126, ये आपके 6 मल्टीपल्स हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर ऑफ 60, हमें क्या करना है, इसमें से बताना है कौन सा 60 का फैक्टर है। तो फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर जिसका हमें फैक्टर निकालना है उसको डिवाइड कर दे। ओके दिस मीन्स इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर है जो 60 को क्या करे, डिवाइड कर दे, तो वो सब नंबर क्या कहलाएंगे, 60 के फैक्टर कहलाएंगे। ओके बल्कि आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 60 इसको डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं है, जो नंबर इसको डिवाइड कर दें, इसका फैक्टर कर दें, वो क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर, इस नंबर के फैक्टर। तो हम यहाँ पे देखेंगे 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 2 60 को डिवाइड कर सकता है, 2 3 6 0। ओके क्योंकि 60 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर है और ये 2 का 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ पर साइन करेंगे 2। अब 7 देखिए, 7 से 60 डिवाइड होता है नहीं, तो क्या हुआ, 7 फैक्टर नहीं है, 6 से 60 डिवाइड होगा, हाँ 6 1 6 0, तो 6 इसका फैक्टर हो गया। 5 से डिवाइड होगा, हाँ ये भी इसका फैक्टर हो गया। 10 से भी डिवाइड होगा, ये भी इसका फैक्टर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट फैक्टर ऑफ 24, इसमें हमें क्या करना है, कौन से 24 के फैक्टर नहीं है, दिस मीन्स ऐसे नंबर्स जो 24 को डिवाइड नहीं करते हैं। तो 2 तो 24 को डिवाइड करेगा, 24 इज इवन नंबर, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से देखिए, 7 1 7 7 2 14 3 21 4 28, 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, 6 से ही डिवाइड होगा, 6 4 24। तो हमें ऐसे फैक्टर निकालें जो 24 को डिवाइड नहीं करता है, तो हम 7 पे करेक्ट करेंगे, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, 10 से भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा आपका, 8 से भी हो जाएगा। सो 7 और 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 24। राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30, 25 और 30 के कॉमन फैक्टर लिखने हैं, जो
क्या ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो ऐसे कौन से नंबर हैं? देखिए फाइव, फाइव भी दोनों को डिवाइड करेगा, टेन भी दोनों को डिवाइड, टेन भी इसका कॉमन फैक्टर हो सकता है, नहीं टेन नहीं होगा, देखिए 25 नहीं डिवाइड होगा, फाइव इसका कॉमन फैक्टर होगा, ओके 21, 36 इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? अब देखिए टू, टू तो 36 को डिवाइड कर लेगा, 21 को नहीं कर सकता, थ्री, थ्री से 21 भी डिवाइड हो जाएगा आपका, 36 भी, तो थ्री क्या हो गया इसका कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरह से आप आगे निकालोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फैक्टर्स ऑफ 975, इसमें कौन से 975 के फैक्टर हैं? तो आप इसमें से देखोगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 975 को डिवाइड कर देगा, ओके तो हम देखिए 39 से अगर करेंगे, देखेंगे इसको हम 975 को 39 से डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये फैक्टर है, अगर नहीं डिवाइड होता है तो फैक्टर नहीं है, ओके तो हम पहले 39 को चेक करते हैं और बाकी आप खुद को खुद से करोगे। 39 से डिवाइड करेंगे, इसमें देखिए लास्ट में 5 है, ये 7, 97 है, 39 को आप कितने टाइम ले जा सकते हैं? देखिए 39 से हमें 975 को डिवाइड करना है, सबसे टू डिजिट में आप चेक करोगे, 39 वन जा 39, 39 टू जा, टू का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री जा 6 आएगा, अभी हम आगे भी देख सकते हैं, ओके थ्री का मल्टीप्लाई करें, थ्री थ्री जा 9, अब हम चेक करेंगे टोटल में थ्री का मल्टीप्लाई करके, थ्री नाइन जा 27, यहाँ पे आपका 7 होगा, टू कैरी, थ्री थ्री जा 9 और टू ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे ये नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, दिस मीन्स ये आपका टू टाइम ही जाएगा, टू नाइन जा 18, 81 कैरी, टू थ्री जा 6 एंड 7, ओके अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, ओके और यहाँ हुआ 8, 8 में से आप ये क्या है आपका 7 है, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 119, ये हमने यहाँ राइट कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये डिवाइड करता नहीं, ओके 3 का टेबल आप कर रीड करिए कि 19 से क्या हो ज़्यादा ना हो, हम नियरेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके 36 जा 18, अब 6 टाइम हम 6 का से मल्टीप्लाई करके सर्च करेंगे कि ये इससे ज़्यादा हो रहा है या कम, तो 6 9 जा 54, ओके 54 यहाँ 4 हो गया आपका 5, और 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 6 टाइम नहीं ले जा सकते, 5 टाइम ले जाएंगे, 5 9 जा 45, 5 4 हो गया आपका कैरी, 5 3 जा 15 और 4 आपका 15 और 4 क्या हो गया 19, ये आपका कट हो गया 25, सो 39 इज़ द फैक्टर ऑफ 975। इस तरह से आप बाकी नंबर्स चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल का मतलब 3 से वो डिवाइड हो जाएं। तो कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? अब देखिए ऐसे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर दोनों नंबर को हम ऐड करके, ऐड करने पे जो आता है वो नंबर अगर आपका 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो, दिस मीन्स वो नंबर क्या होगा आपका 3 का 3 से डिवाइड है, जैसे 4 और 3 है, 4 प्लस 3 करेंगे 7, 7 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो 43 नॉट डिविजिबल बाय 3, 54, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 9 आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 54 क्या है डिविजिबल है 3 से, 219, ओके 219 तो 21 प्लस 9 हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 21 प्लस 9 ऐड करेंगे हमारा 300, दिस मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा 300, ऐसे भी आप चेक करो, 37 जा 21, 33 जा 9, ये 3 का डिविजिबल है, ओके ये देख लीजिए 31 जा 3 और हमारा क्या हो गया 14, तो 14 अगर होगा तो ये डिवाइड होगा नहीं, 421, 31 जा 3 1 हुआ 12, फिर 1 रिमाइंडर हो गया, ये भी नहीं डिवाइड होगा, 400,
44, 3 1 जा 3, फिर 14 हुआ आपका, फिर 3 4 जा 12, 2 हो गया कैरी, 24, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे का भी चेक कर लोगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइड बाय 2 एज वेल एज 9, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हों और 9 से भी डिवाइड हों। तो ऐसे नंबर आप चेक करोगे जो 2 से और 9 से दोनों डिवाइड हों। देखिए 2 से जितने 2 से डिवाइड होंगे वो नंबर ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हों। तो आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जो 2 से भी हो और 9 से भी हो। देखिए 355 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। ओके, लास्ट में 0 4 होता है तो ही 2 से डिवाइड होता है। 4 6 8 ऐसा हो वंस में तो ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 9 से होगा कि नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 9 से चेक करेंगे होगा कि नहीं। देखिए 9 1 जा 9, 3 हो गया आपका, फिर 9 का टेबल हीट गई, 9 4 जा 36, ये आपका 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिविजिबल 2 एंड 9, 2 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। ओके, इसी तरह से आप आगे भी चेक कर लोगे कि वो 2 से डिवाइड होगा और 9 से भी, दोनों से आपको डिवाइड होगा कि नहीं। ओके, ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। आप किसी भी मेथड से प्राइम फैक्टर, क्योंकि आपको यहाँ पे मेथड नहीं दिया गया है इसलिए आप किसी भी मेथड से, चाहे सक्सेसिव डिवीजन मेथड हो या फिर ट्री मेथड, किसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें आपको ट्री मेथड से निकालने के लिए कहा गया है। ओके, इसका फैक्टर, बिल्ड फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग, फैक्टर ट्री आपको बनाने हैं, दिस मीन्स आपको फैक्टराइजेशन करना है ट्री मेथड से इसको। इसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप जिस भी मेथड से कर सकते हो। तो वह एक क्वेश्चन मैं आपको सक्सेसिव डिवीजन मेथड से इसमें से बता दूंगी और इसमें से आपको ट्री मेथड 1 क्वेश्चंस। ओके, और आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 450 का सक्सेसिव डिवीजन मेथड से हम इसका फैक्टर करते हैं। देखिए 450 है, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 450 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 या 4, फिर 5 में करेंगे 2 2 या 4, 1 आया आपका नीचे 0 10, 1 2 5 जा 10, 225। अब लास्ट में 5 है इसलिए आपका 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, या तो 3 से हो सकता है या फिर 5 से। तो 3 से हम करेंगे, 3 7 जा 21, 1 हुआ आपका 15, 3 5 जा 15, 75। देखिए अभी भी ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 25। अभी आपका ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है, 5। ओके, 3 देखिए 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। फिर हम नेक्स्ट हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। तो 450 का फैक्टर हो गया आपका 2 × 3 × 3 5 & 5। ओके, ये आपका 450 का फैक्टराइजेशन हो गया बाय सक्सेसिव डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है आपका बिल्ड ट्री मेथड, फैक्टर ट्री, बिल्ड फैक्टर ट्री, ट्री मेथड से आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम 72 को सॉल्व करते हैं, 12 का ए 72। तो 72 को हमें ट्री मेथड से सॉल्व करना है। तो हम जहाँ ट्री मेथड से हमने बताया था, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर जो हमारा स्मॉलेस्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से हम क्या करेंगे इसको, पहले हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और हमारा, और हम चेक करेंगे कि उस 2 पार्ट में जो हो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो, दिस मीन्स ओ 2। देखिए 2 से ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से आपका 72 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका 2 फैक्टर क्या बनेगा, इसका 2 फैक्टर बनेगा 2 × जब 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6 और 12 में डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 36 हो गया हमारा। 2 कॉमन 2 फैक्टर क्या हो गया इसका,
72 को हमने टू पार्ट में ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो आप 3 से चेक करके देखोगे। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको जैसे ट्री है बिल्कुल उसी ट्री जैसे आपका ट्री मेथड कहा गया है वैसे ही आपको ट्री बनाते जाना है। अब देखिए हम इसको भी टू फैक्टर इसमें इसको ब्रेक करेंगे तो हम फिर स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 36 टू से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पे 2 फैक्टर में राइट ब्रेक करके राइट करेंगे। 2 1 2 2 8 16 ये हो गया हमारा। फिर हम इसको फिर 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 9 18। ओके, अब देखिए 9 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा, तो हम 3 3 9। ओके, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड। ओके, ट्री मेथड में ये क्या है, ये आप ये बिल्कुल ट्री की तरह आपको इसका शेप बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्री मेथड। जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा या अशोक का ट्री, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे ये इसका शेप बन जाता है, इसलिए हम इसको ट्री मेथड कहते हैं। हम फैक्टराइजेशन इसका कैसे राइट करेंगे, 72 का फैक्टराइजेशन हम इस साइड के सारे नंबर्स को राइट कर जाते हैं, लास्ट में 2 नंबर। तो ये हमारा सबसे पहला हो गया 2, नेक्स्ट 2, फिर आपका 2 है, फिर नेक्स्ट 3, फिर 3, फिर 3। ओके, 2 2 2, 3 टाइम 2 है आपका, 3 3 3, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया बाय ट्री मेथड 72। इसी बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लोगे। देखिए 100 है, 100 को भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो प्राइम 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50। ओके, ये 2 पार्ट में आपका ब्रेक हो गया। फिर हम नेक्स्ट 50 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 50 भी आपका 2 से डिवाइड होगा। इस तरह से हम ब्रेक करते हुए नीचे तक आएंगे। ओके, सो इस एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके संडे को अपने वर्क को सेंड करेंगे। ओके,